रुको, अगर आप लोग भी सोच रहे हो अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करने का तो शॉर्ट्स की इस निगेटिव साइड को जरूर जान लो। हो सकता है आप अपना मन बदल के शॉर्ट्स की जगह लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दो। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर जिन्होंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करके मिलियन में सब्सक्राइबर गेन किया है, लेकिन जितना ज्यादा तेजी से उनका चैनल ग्रो हुआ है उतना ही ज्यादा तेजी से उनका चैनल डाउन भी हो गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए हमें एक वीक पीछे चलना पड़ेगा। अब ये बात 4 दिसंबर 2023 की है, घड़ी में करीब सुबह के 10:30 बज रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर 3 साल से काम कर रहा हूँ और ये वीडियो जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं ये मेरा सेकेंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है डेंजर गेमर, जिसमें मैं गेमिंग वीडियो अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स फॉर्मेट में। और उस चैनल पर अभी मेरा 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है और पर डे 8 से 10 सब्सक्राइबर बढ़ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उस चैनल पे ना ही तो मेरा व्यू आ रहा है और ना ही उस पर सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला शॉर्ट्स के कुछ निगेटिव पॉइंट, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो मैंने इस वीडियो में शॉर्ट्स के निगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों के बारे में बताया। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना गलत, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए कि शॉर्ट्स के क्या निगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट्स के पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं। पहला नंबर, यूट्यूब सपोर्ट शॉर्ट्स। अब देखो, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी आप अपना यूट्यूब ऐप खोलते हैं तो आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आप लोगों को पहले ही शॉर्ट्स अपलोड किया जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, जिसे बहुत सारी ऑडियंस किसी एक शॉर्ट पे क्लिक करती है और उसे स्क्रॉल करती जाती है और वो ट्रैप में फंस जाती है। तो पहले के मुकाबले अब शॉर्ट्स पे व्यू आने के चांसेस 80% ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप लोग भी एक अच्छा शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करते हो तो हो सकता है आपका चैनल फर्स्ट वीडियो से ही मोनेटाइज हो जाए और तो इससे आप लोग चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। लेकिन इसे कुछ निगेटिव साइड है, जिससे आप लोग का चैनल डेड भी हो सकता है। अब मैं ये दो निगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊंगा। जैसे सबसे पहला ये तो ये कि लो अर्निंग। अब आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे कि शॉर्ट्स में लॉन्ग फॉर्मेट से कम अर्निंग होती है। सेकंड, नो रिस्पांस। बहुत सारे यूट्यूबर ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से ज्यादा स्पॉन्सर से अर्निंग किया है, और शॉर्ट्स पर स्पॉन्सर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लॉन्ग पर बहुत ज्यादा स्पॉन्सर मिलता है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग पे शॉर्ट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा है। अब मेरे बहुत सारे ऑडियंस ये सोच रहे होंगे कि पहले वे अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करेंगे और जब उनका चैनल अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बना लेगा तो उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन ये आप लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं, हो सकता है आपके चैनल पे शुरू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन एक समय के बाद आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि किस टाइप की वीडियो हमको अभी YouTube पे अपलोड करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने चैनल पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो दोनों टाइप की वीडियो में एक ही नीश हो। जैसे कि मैं अभी टेक की वीडियो बनाता हूं, तो मैं टेक कैटेगरी के ही एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना सकता हूं, इससे मेरा चैनल डेड भी नहीं होगा। और आप लोगों को 3:1 रेशियो के फॉर्मूले पे काम करना है। मैं भी इसी तरीके से काम करता हूं। 3:1 रेशियो ये है कि 3 वीडियो लॉन्ग के और 1 वीडियो शॉर्ट आप लोग अपलोड कर सकते हैं और अपने चैनल को अच्छा खासा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इससे आप लोग का अर्निंग भी कम नहीं होगा और आपका चैनल भी फ्रीज नहीं होगा। तो आप लोग चाहे तो मेरा फर्स्ट चैनल को भी अनफ्रीज करा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जाकर जरूर चेक कर लेना। और आप लोग को ऐसी ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी इस पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दो। तो मिलते हैं एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।